मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ सवेर, हिंदी में बोलते हैं शुभ सवेर। अब उसके बाद मैम बताएंगी आपको शुभ विचार, वो है जैसे आप करते हैं थॉट ऑफ द डे, ये है आपके लिए बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का सम्मान करो, जैसे मैम कहती है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। आज हम करेंगे आ की मात्रा का परिचय। पहले हमने किया है दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण वाले शब्द, उसके बाद हमारी मात्राएं शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले क्या आता है हमारा, देखो इसको क्या बोलते हैं, आ। वैसे हम पहले पढ़ते थे, जब हम स्वर करते थे हम बोलते थे आ से आम, लेकिन अब इसको बोलना है आ, ये है आ। तो हम सबसे पहले मात्रा सीखने से पहले हम पढ़ेंगे बारह खड़ी, बारह खड़ी। देखो यहाँ पे सारे व्यंजन लिखे हैं, सारे व्यंजन हैं, लेकिन व्यंजन के साथ ये डंडी दिख रही है आपको, ये देख रहे हो ना, ये आ। जैसे यहाँ पे है ये देखो आ था ना, पहले इसके साथ आ लग गया, आ आम आम, ये है आग। आवाज किसकी आ रही, आ। पहले उच्चारण करो, सबसे पहले उच्चारण आपको आना चाहिए कि कैसे उच्चारण करना है आ। अब देखो सबके पीछे डंडी लगी है, क के पीछे क्या है आ, का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, नो खाली, च को आ चा, च आ छा, ज आ जा, झ आ झा, इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, यों को ये खाली है, ट आ टा, ठ आ ठा, ड आ डा, ध आ ढा, न खाली, त आ ता, थ आ था, द आ दा, ध आ धा, न आ ना, प आ पा, फ आ फा, ब आ बहा बा, भ आ भा, म आ मा, य आ या, र आ र, र रा, ल आ ला, व आ वा, श आ शा, श। अब ये है श षड्गम शा, ये है श षटकोण, श आ शा, स आ सा, ह आ हा, क्षत्रि है क्षा, त्र त्रा, ज्ञ ज्ञानी ज्ञ आ ज्ञा, श्र आ श्र। अब ऐसे ये हमारी बारह खड़ी, जो पीछे आपको मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, ये है आ। आप इसके ऊपर ध्यान देना है, किसी भी व्यंजन के साथ अगर लग जाता है तो वहां पे जो उच्चारण होता है वो आ। अब इसको हम पढ़ेंगे का खा घा घा, इसका उच्चारण ऐसे होएगा। अब यहाँ पे हम दोस्त, और इसके बाद हम आपको शब्द मैम कराती हैं। अब देखो जो ये लाल रंग है ना, ये लाल रंग आ है, क आ न कान, रा जा रा जा, अ ना र अनार, हा थ हाथ, ग म ला गमला, आ म आम, घ रा घड़ा, छा ता छाता, आ ग आग, ता ला ताला, चा व ल चावल, ल ड का लड़का। अब आपने जो इसमें एक स्पेशल जो ध्यान देना है वो आपने उच्चारण में देना है कि कहाँ मात्रा लगी। अगर आप अच्छे से मात्रा सीख जाओगे तो आपको आगे पठन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी आ वाले शब्द है उसका पठन करेंगे। अभी पहले आपने सीखना है कि आ की मात्रा की बारह खड़ी का उच्चारण करना है, उसके बाद ये जो शब्द है आपने इसका पठन करना है। इसमें जो लाल रंग वाली है ये आ की मात्रा है, जैसे क के साथ आ लग गया तो उसको हमें का पढ़ेंगे, का न कान, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, तो ठीक है बेटा। अब आपने दूसरी वीडियो में पठन करने के लिए मैम आपके साथ कुछ नए शब्द लेके आएंगे, ठीक है। बाय बाय चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।